The Daily Show with Munir Memon. प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की माली सूरत हाल के ऊपर जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 10 से 15 दिनों में पाकिस्तान में माली एतबार से काफ़ी उतार चढ़ाव देखे गए। पाकिस्तान में कभी अच्छी तो कभी बुरी खबरें भी दिखाई दे रही हैं, कुछ मिला जुला सा रुझान, और यही हवाला है पाकिस्तान की आज के डेवलपमेंट के हवाले से। जिस तरीके से आज मोदीज़ के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई और ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें एक दर्जे मजीद कमी कर दी गई, तो इसके बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब अली मोहम्मद उस्मानी साहब। जरा इनसे जानते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई और इसके असर पाकिस्तान की मिशत पे किस तरीके से होते हुए दिखाई देंगे। अली अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, एक तो हम पहले देख रहे थे कि इसहाक डार साहब वापस आए और वापसी के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि पाकिस्तान में बहुत बड़े हलकों को के शायद अब मीशत का ट्रैक बेहतर होगा, लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग्स को देखें तो वो पाकिस्तान की मीशत में बेहतरी के किसी तौर पर मुस्बत इशारे नहीं दे रही। जी बिल्कुल मुनीर साहब, देखें सबसे पहली चीज तो एक बात का एक अंदाजा कर लें आपके व्यूअर्स सारे और ये जो भी पाकिस्तानी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमेशा एक हाफ ईयर का टेन्योर या क्वार्टर बेसिस के ऊपर हम देखते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, राइट? सही। यानी कोई भी चीज अगर एक एग्जाम किया जाता है तो उसका अफेक्ट इमीजिएट नहीं आता, अपार्ट फ्रॉम फ्यू इनडायरेक्ट चीजें होती हैं जिसमें हम इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं, प्राइस की मूवमेंट के जरिए देखते हैं, ये इंटरेस्ट रेट्स के अंदर इंटरेस्ट रेट भी आप देखें कि एक टाइमली बेसिस के ऊपर अगर इंपैक्ट दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले मईशत के अंदर जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ओवरनाइट कोई रिजल्ट हम ड्राइव नहीं कर सकते अनलेस कुछ चीजों के, ठीक है, मेच्योरिटी बेसिस पे हमें उसको थोड़ा टाइम देना होता है। लेकिन अली माजद के साथ क्या ओवरनाइट तो नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ इसहाक डार साहब की वापसी इस वक्त नहीं देखी जा रही, मौजूदा पीडीएम गवर्नमेंट का पूरा टेन्योर जो 4 से 5 माह हो चुके, जिसको हम तो उसकी बात कर रहे हैं, मोदी की रेटिंग पिछले 7 सालों में इतने नीचे नहीं गई थी जो अब दिखाई दे रही है। सर देखिए बात वही है कि मैं इस बात को इसलिए एंडोर्स कर रहा हूं क्योंकि मैं मई या जून से आपसे इस बारे में बात कर रहा हूं। रेटिंग को देख के मैं एनालिसिस नहीं कर रहा सर, ये फॉरेन रेटिंग से ये अपने एक इंपैक्ट रखती हैं, कभी बायस्ड भी हो सकती है कभी नॉन बायस्ड भी हो सकती है, ये तो आप कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे क्राइम रेट्स की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, इन्फ्लेशन की बात की जाए या करप्शन इंडेक्स की बात की जाए, ठीक है, तो बहुत सी ऐसी रेटिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप देख रहे होते हो कि लोकल बेसिस के ऊपर करप्शन इंक्रीज हो रही है मगर वहां पे पाकिस्तान 2 to 3 points से डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। वो तो अपने एक पैरामीटर के तहत कर रहे होते हैं, उनके पास जो पैरामीटर्स हैं वो आपके अपने इनलैंड पैरामीटर से ज्यादा बेहतर नहीं है। आपके इनलैंड पैरामीटर्स आपको पहले डिफाइन कर देते हैं जब आपकी एक्सपोर्ट्स में कमी आना शुरू हुई और इंपोर्ट से बढ़ना शुरू हुआ गुज़श्ता 2 या 3 महीने पहले हम देखें जब पीडीएम गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। उसके बाद मैं आपसे मुतअद्दिद प्रोग्राम्स के अंदर ये कहता रहा कि आने वाले दिनों के अंदर फ्लूट की वजह से जो एक इंपोर्ट बिल आपके बढ़ सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो ये तो एक एनालिसिस अगर सही मानों में किया जाए उस वक्त जब मिस्टर इस्माइल साहब थे या जो भी थे तो उन्होंने तो इस चीज का अंदाजा कर लिया होगा कि पाकिस्तान की मईशत, और बार बार आप एक लफ्ज़ सुन रहे होंगे डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ठीक है, ये लव डिफॉल्ट इटसेल्फ ही आपकी क्रेडिट रेटिंग को गिराने के लिए काफी है, राइट? तो अली क्या गलत क्या हो रहा है, मतलब अगर हम थोड़ा सा रिकैप करते ना, पिछले 4 से 5 माह में ये बात बहुत बार कही गई कि पाकिस्तान की मईशत को डूबने से बचाया गया, पाकिस्तान की मईशत को राइट ट्रैक पर डाला गया। अगर तो पाकिस्तान की मईशत राइट ट्रैक पे आई है तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि इस वक्त हमें दीगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जानिब से या दीगर न्यूज एजेंसीज की जानिब से इस तरीके की खबरों का सामना करना पड़ता कि पाकिस्तान खुदा ना खासा डिफॉल्ट कर रहा है या पाकिस्तान के माशी आदाद व शुमार कुछ मजबूत नजर नहीं आ रहे। सर आप मुझे बताएं कि एफएटीएफ के ऊपर जब न्यूज चल रही थी, यहाँ से 3 साल से चल रही है, कंटिन्यूस बेसिस पे चल रही है, ठीक है, एक वक्त में एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी आपकी नजर के अंदर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है जब इंडिया की तरफ से वोटिंग होती है। तो बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, क्या उसकी वजह से मईशत पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई? देखिए ना आप चीजें कोई मुस्बित, हम देखें इस वक्त जिस बात ये नहीं है कि हम पॉजिटिव हुए कि नेगेटिव हुए, हम जिस सतह पे थे उसी सतह के ऊपर खड़े हुए। अगर हम आज से 2 साल पहले देखें चीजों को, हमारी करेंसी डिवेल्यूएशन होना शुरू हुई तो हमारी इकोनॉमी और डिटेरियरेटिंग जा रही है डेस्पाइट ये कि कुछ ग्रीन सिग्नल्स भी हमें मिल गया एफएटीएफ की जानिब से, सही, ठीक है। तो ये अगर इनके इंपैक्ट्स होते हमारी मईशत के ऊपर तो मईशत तो डिक्लाइनिंग फेज में जा रही है। एफएटीएफ का मैं तो आपको तशरीह करता चलूं कि अगर एफएटीएफ में पाकिस्तान सुरखरू हो जाता है और व्हाइट लिस्ट में आ जाता है तो इंटरनेशनल अरीनाज ओपन हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, मगर हम कितना उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहां से काम शुरू होता है हमारे इनलैंड स्ट्रक्चर्स का,
क्या वो इस काबिल है कि एफएटीएफ को व्हाइट लिस्ट को एंटरटेन कर सके 100%? अली वो बिल्कुल ठीक है, मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट जाऊंगा। मुझे ये बताएं कि आज हमने देखा कि जब ये जो तमाम तरह डेवलपमेंट हुई, इसहाक डार साहब आए मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम एक कड़ा रिप्लाई देंगे मोदीज को और मोदीज को पूछेंगे कि उन्होंने क्यों इस तरह से इकदाम किया और पाकिस्तान को क्यों इस बारे में नहीं बताया गया। आपको लगता है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर मीडिया पे आना, कैमरे पे आके इस तरह का बयान देना कोई इसका हल होगा, या अपने ऑफिस में रह के कोई प्रेस रिलीज जारी कर की जा सकती थी और मोदी से ऑलरेडी इसके ऊपर बात करके फिर आवाम को बताया जाता कि क्यों किया गया, कैसे किया गया, किन पैरामीटर्स को चूज किया गया, ना कि इससे पहले ही आके मीडिया के ऊपर इस तरह का एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की गई? देखिए, जब मोदीज ने एक आपको इन्वॉल्व किए बगैर एक ओपिनियन दे दिया, इसका मतलब कि उसने आपको बता दिया कि आपकी दो टके की इज्जत नहीं है। ठीक है, आप लोग बात करते चले आए हैं हमसे, हम आपसे मुतमईन नहीं है। सिंप्लीफाइड वे में, अगर सॉरी मेरी बात को ज्यादा हार्श हो गई हो तो मैं माजरत करता हूँ, मगर उन्होंने एक सिंप्लीफाइड वे में कह दिया कि हम आपकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। यही हुआ ना मतलब? सही। तो अब जब आपकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है तो आप दंगे की चोट पे इसहाक डार साहब, चाहे नवाज शरीफ साहब, चाहे शहबाज शरीफ साहब, चाहे अपने आपको क्लीन चिट देते रहे, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर आपका एक गेम प्लान शुरू हो गया। ठीक है, आप कॉन्सिक्वेंस देखें, आप रोना तो रो रहे हैं मोदीज की रेटिंग का, मगर मोदीज की रेटिंग अगर लेट सपोज इससे अच्छी भी हो जाती, होती रही है कोविड के बाद, कोविड के पीरियड में हमारे पास चीजें बिल्कुल होती रही है और काफी पॉजिटिव थे। आपकी मईशत पे कितना असर पड़ा था ये तो मुझे बताएं। नहीं अली वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं ना कि मौजूदा जो मोदीज की रेटिंग आई है उसका कहीं ना कहीं जो पैरामीटर्स रहे होंगे, जो पिछले 4 से 5 माह की जो प्रोग्रेस रही होगी उसको देखते हुए बनाई होगी, और उसमें जो कुछ काम किया वो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया, जिसको अक्सर और बिस्तर इसहाक डार साहब निगेट करते रहे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी मिफ्ता इस्माइल साहब पे होनी चाहिए? नहीं सर, इसकी जिम्मेदारी सबके ऊपर लागू होती है, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट हो, चाहे करंट गवर्नमेंट हो, चाहे 5 महीने का वक्त तो गुजर गया ना मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर के पास, 5 महीने का वक्त था, उनके पास अथॉरिटी थी, वो कड़े फैसले लिए भी उन्होंने। सर आपके प्रोग्राम में इतने सारे सब आते हैं, गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी पोजीशंस के लोग आते हैं, सबसे पूछिए कि उन्होंने अपने दौर में क्या रोल प्ले किया। हर बंदा आता है, एक कील ठोक के चला जाता है, उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट बंदा आएगा वो अगली कील ठोकेगा, मईशत तो तबाह हो रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब हमने देखा कि गुज़श्ता 6 माह में जो इकदाम उठाए गए, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की कोई मिसाल नहीं दिखाई देती कि पेट्रोल की कीमतें 150 रुपए से बढ़ा के 250 रुपए कर दी जाए, बिजली के निरखों में डबल से ज्यादा इजाफा कर दिया जाए, टैक्सेस की भरमार कर दी जाए, इतने कड़े मेजर्स लिए गए हुकूमत की जानिब से। इसके बावजूद अगर ये जो नतीजा आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो सवाल पूछना होगा ना कि आपने जो इकदाम किए वो क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हुए, कहां कमी रह गई, कहां कोताही रह गई? सर देखिए, मैं बात पर वही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी इसमें प्रोग्राम में एज अ पाकिस्तान को देखते हुए बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी अगर हम करेंसी डिवेल्यूशन की बात करते हैं तो वो तकरीबन अक्टूबर नवंबर से आपकी करेंसी के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया था 2021 से। बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल वहां से प्रेशर आना शुरू हुआ। अब गवर्नमेंट अचानक से अनसर्टेन एनवायरमेंट में आई अप्रैल के अंदर और इमरान खान साहब के इकदाम को उन्होंने एकदम नलीफाइड करके नई गवर्नमेंट आई, तो वो स्ट्रिक्ट कैरी ऑन चलती रही। ठीक है, उस स्पीक के अंदर जो है फिर इमरान खान साहब, चूंकि आखिरी उनका वक्त था तो उन्होंने आईएमएफ की शराइतों को रेडिक्यूल किया और उनके साथ उन्होंने मतलब कुछ एक सख्त लेवल पे बात, आईएमएफ की शराइत को तो आज मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर भी रेडिक्यूल कर रहे हैं बतौर मिफ्ता इस्माइल साहब के। जी बिल्कुल, वही मैं कॉन्सिक्वेंस में आ रहा हूँ, जब बात उन्होंने रेडिक्यूल किया। आप पहले इस बात को बताएं, इसको मैं गलत तो नहीं कह रहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है इसहाक डार साहब के पॉलिसीज के हवाले से, वो कहीं ना कहीं ये तासुर दे रहा है कि आईएमएफ की पॉलिसीज को इसहाक डार साहब रेडिक्यूल कर रहे हैं? देखिए बात ये होती है कि जो मिस्टर इस्माइल साहब थे उन्होंने तो बिल्कुल आईएमएफ के बीच गए थे। ठीक है, अब आईएमएफ के साथ लेट्स सपोज कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की जब हम वहां पे जाते हैं, अब्दुल हफीज शेख साहब जब थे तो उन्होंने बिल्कुल कन्विंस किया, उसके बाद फिर अब्दुल हफीज शेख साहब वहां से हटे, तो ये तो सी सॉ ज़िगज़ैग चलता चला आ रहा है। एक बंदा उसको रेडिक्यूल करता है, फिर एक बंदा आता है उसको एक्सेप्ट करता है, फिर एक बंदा आता है उसको रेडिक्यूल करता है, यही सी सॉ चल रहा है ना सर। ठीक है, जब ये सी सो चल रहा है तो मिस्टर इस्माइल साहब ने उनकी पूरी पॉलिसीज को मान ली और जो लिवीज थी उन सब चीजों को अडॉप्ट करवा रहा है, 50 रुपए तक की लिवीज को लाने की बर्बाद की। इसहाक डार साहब ने इमीजिएट आके एक तो पेट्रोलियम मसरूआत कम की, जिसके ऊपर मिस्टर इस्माइल साहब को थोड़ा सा भरम हुआ। ये इकोनॉमिक पहलूज है ये जनरलाइजेशन के अंदर। फिर वो इसहाक डार साहब आए, उन्होंने कहा कि हम डॉलर को 200 से नीचे ले आएंगे। ठीक है, मतलब 200 से डॉलर नीचे भी ले आएंगे तो 150 के ऊपर भी क्या आपकी इकोनॉमी स्टेबल है? सबसे पहला सवाल तो ये होता है।
बिल्कुल अगर 150 भी स्टेबल नहीं है तो 250 भी स्टेबल नहीं है, तो दोनों कंडीशन जो है जब अनस्टेबल है तो कोई भी इकदाम चाहे सागदार साहब करें चाहे मिस्टर इस्माइल साहब करें तो उसके अंदर एक सॉल्यूशन बेस्ड तो नहीं है। हम सिर्फ नंबर्स के ऊपर क्यों बात करते हैं तो तस्करा ही नंबर्स का हो रहा है। इसहाक डार साहब जब से वतन वापसी आए उन्होंने कहा कि देखें अभी तो हमने हाथ हौला रखा है, अभी तो सिर्फ हमने कहा है और इस तरह से डॉलर फिर से नीचे की तरफ आने लगा, मुल्क की मईशत बेहतर होने लगी। आज भी इसहाक डार साहब इस तरह की गुफ्तगु फरमा रहे थे, मतलब कि आपकी गवर्नमेंट थी तो आप इन्वॉल्व थे, मतलब ऐसी स्टेटमेंट की डिफेमेशन हो जाती है ना कि आपने हाथ हौला रखा तो कौन चला रहा था डॉलर आपकी गवर्नमेंट के टेन्योर में, आप सिर्फ शख्सियत बदली ना गवर्नमेंट तो एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है ना कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा गवर्नमेंट के दो चेहरे हैं उनकी पॉलिसीज पोल्स अपार्ट हैं, उनकी पॉलिसी एक दूसरे से बिल्कुल मुतसादिम है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखिए एक पॉइंट आप देखें कि हमारे यहाँ इतनी नासमझ है चीजों की कि जब कोविड के पीरियड के अंदर पाकिस्तान की इंपोर्ट खत्म हुई थी दिसंबर 2020 में, ठीक है, और आपका करंट अकाउंट इंपोर्ट कम होने की वजह से, क्योंकि दुनिया बंद थी, इंपोर्ट कम होने की वजह से आपके करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया था, तो हमने यहाँ पे वाबिला कर दिया था कि 17 साल के बाद पाकिस्तान का अकाउंट सरप्लस में आ गया करंट अकाउंट, ऐसे ही था जी। आपने कतई नजर इस बात से कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, इस इंपोर्ट के कम होने से क्या इंपैक्ट है, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही है पाकिस्तान की, हमने तो उसको मार्केट करना शुरू कर दिया। कोई भी पीटीआई गवर्नमेंट से ये पूछता कि अल्लाह के बंदो ये जो आपने सरप्लस किया ये आपकी अपनी एफर्ट है कि खुदाई आफत की वजह से सरप्लस आ गया, ठीक है, तो ये तो नंबर्स के ऊपर सारे चल रहे होते हैं। हम अपने न्यूज चैनल के ऊपर आके उनको हाँ या ना या शाबाशी या अली, अली ये बड़े इंपॉर्टेंट आप बिल्कुल बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि परसेप्शन की गेम है। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आपको क्या लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर का किरदार या एक रोल कैसा होना चाहिए? इस वक्त अगर मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो ये फरमाते हैं कि अभी डंडा चलाया ही नहीं और डॉलर नीचे आने लगा, क्या मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं कि डंडा चलाने से डॉलर नीचे आ सकता है, और क्या ये इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग होती रही है डॉलर के हवाले से जो कि पाकिस्तान को आज इस नेच पे लेके आई, और अगर होती रही तो जिम्मेदार कौन होगा? सर देखें यही जो चीज है ना, डंडा चलाएंगे कैसे, गवर्नमेंट के ठेकेदार आपके बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के बंदे आपके बैठे हुए हैं, अगर उनकी नाक के नीचे अगर आपको डंडा चलाने सर सबसे क्या सागदार से ही नहीं पूछना चाहिए कि डॉलर में सबसे बड़ा इजाफा तो गुज़िश्ता 5 माह में हुआ जो उनकी अपनी हुकूमत थी, तो अगर उस दौरान ये हुआ तो डंडा किसने छुपा के रखा था और डंडा चलाने से काम हो जाता तो पहले क्यों नहीं किया गया? यही सवाल आप तो पूछने की हिम्मत नहीं है ना सर किसी में, हम तो नंबर्स के ऊपर वही बात बार मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि नंबर्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोर्स ऑफ इनकम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आ जाते हैं थोड़ा सॉल्यूशन बेस पे बात कर लेते हैं ना, ये तो सब चीजें कि मोदीज ने रेटिंग नीचे कर दी, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रेडिंग अच्छी कर दी, इससे कौन सा इंपैक्ट पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पहले पड़ा है या पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक बड़ा तबका भी आपने देखा कि सैलाब के लिए कितने लोगों ने मदद की और कितना जो है वो इमदाद सामने आई। अब सवाल ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, कहता है यार आपके पास तो इतना पैसा पड़ा हुआ है कि यहाँ पे अपने तबाही के बावजूद भी लोगों के पास से इतना निकला, तो ये परसेप्शन भी तो है ना दुनिया में। तो अब एक चीज मुझे आप सिर्फ बताएं कि सिंप्लीफाइड वे में गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है, टैक्स से, बिल्कुल आपके पास अगर टैक्स देने आता है, अगर आपके पास आपको कोई अगर कोई नया बंदा रिटर्न फाइल करता है तो आपके 5 से 6 साल की इम्यूनिटी है, उसका ऑडिट ओपन कर देते हैं, ठीक है, यानी एक इनसिक्योरिटी तो पैसा है लोगों के पास मगर इनसिक्योरिटी भी बहुत अली मतलब आप ये कह रहे हैं ना, क्योंकि मेरा प्रोग्राम का वक्त भी बड़ा शॉर्ट है, मुझे ये बताएं इसका ये मतलब तस्लीम किया जाए कि गवर्नमेंट के पास स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए फिलहाल कोई हिकमत अमली नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही है ऐसे ऑप्टिक्स क्रिएट करने पे जिससे ये तासुर जाए कि मुल्क की मईशत बेहतर हाथों में, हालांकि फिलहाल स्ट्रक्चर पाकिस्तान का जो है वो इस काबिल नहीं है कि माशी चैलेंजेस को संभाल सके। स्ट्रक्चर तो है ही नहीं ना आपके पाकिस्तान के अंदर, तो सर जब कोर मजबूत नहीं होगा, आपका कोर मजबूत नहीं है, आपकी आपकी बेस मजबूत नहीं है, तो आप कैसे किसी भी काम को कर सकते हैं, किसी कैसे अपनी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं? इसहाक डार साहब तो पहले भी आए थे, स्टॉक मार्केट 52,000 पॉइंट्स पे लेके चले गए थे, दीगर मामलात को हमने देखा क्या कुछ किया उन्होंने, पूरी तौर पे डॉलर को कंट्रोल रखा, लेकिन जैसे ही वो हटे उन्हीं की गवर्नमेंट के दौरान, मेहता इस्माइल साहब जब टेक ओवर करते हैं उनकी पोजीशन को, तो सूरत हाल असर नौ तरतीब पा जाती है। सर आप ये देखें ना कि अगर इतनी मतलब माशाल्लाह पीएमएल गवर्नमेंट का एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके हिसाब से, ठीक है, गवर्नमेंट का, तो उनको क्या मिस्टर इस्माइल साहब की परफॉर्मेंस पिछली दफा नहीं पता थी, इस दफा उन्होंने लाके 4 महीने बेड़ा गर्क कर सर, उन्हें सरदार साहब की परफॉर्मेंस भी तो पता थी, वो फिर भी लेके
वही ना, उनके हिसाब से तो बेहतरीन बंदे हैं ना सर, उनके हिसाब से वो चीजें, उनको क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अली इसका मतलब तो यही समझा जाए ना कि अगर आदादोशुमार को देखें तो जो दिखाई दे रहा है दरअसल तस्वीर वो नहीं है, असल तस्वीर का रुख तो कुछ और है जो आज आवाम से छुपाया जा रहा है। 75 ईयर से आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, आप जिससे जो मुल्क आपसे टूट के एक अलग हिस्सा हुआ जिसका एक आप बांग्लादेश कहते हैं, वो उसकी डेवलपमेंट आप देखें, श्रीलंका में ठीक है क्राइसिस जरूर था मगर आपने देखा कि वहां पे क्रिकेट की सीरीज कितनी अच्छी मैनेज हुई है अभी, तो वो चीजें क्राइसिस ठीक हो गया, मगर बात यह है कि क्राइसिस के दरमियान आपके लीडर्स नहीं खड़े हो पा रहे। अली आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे प्रोग्राम के वक्त क्योंकि महदूद है और यकीन तौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बात की जाए। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान की मईशत की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू की और कल जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था तो उसी वक्त एंड मूडीज के हवाले से ये खबर जब आई तो उसने पाकिस्तान की मईशत को एक और धक्का जरूर पहुंचाया। ये तासुर का गेम है, ये परसेप्शन का गेम है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो परसेप्शन है आलमी सतह पर वो मुस्बत नहीं। इसहाक डार साहब चाहे लाख प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते रहें, चाहे लाख कहते रहें कि हम मोदी से सवाल पूछेंगे, हम जवाब तल भी करेंगे और मोदी को से पूछा जाएगा, बाजस की जाएगी, लेकिन ये सारी बातें उस वक्त काम आती हैं जब पाकिस्तान की मईशत वाकई तौर पे यकीनी तौर पे बेहतर होती नजर आती। और अगर ये सारे मामलात में खराबी पैदा हुई तो गुज़िश्ता 4 से 5 माह जो हुकूमत रही वो मौजूदा पीडीएम गवर्नमेंट की रही, इन्हीं की जमात के फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ताह इस्माइल साहब, तो क्यों नहीं पूछा गया और मोदी की मौजूदा रेटिंग की जिम्मेदारी आखिर किसके ऊपर डाली जाएगी, वो हुकूमत जिसने 4 साल या 3.5 साल हुकूमत की या इससे पहले जिसने 5 माह ऑलरेडी हुकूमत की थी। इन सारे सवाल आपके जवाब लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हूं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।